हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडूफाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एनालॉग और डिजिटल सर्किट क्या होता है, या एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग नॉइस को भी यहाँ पे कवर करेंगे कि नॉइस क्या होता है और नॉइस का क्या इफेक्ट होता है एनालॉग पे और नॉइस का क्या इफेक्ट होता है डिजिटल पे, ये हम लोग कंपेयर करेंगे और दोनों में से ये पता करेंगे कौन अच्छा है। तो हम लोग जैसे बात करते हैं बीटेक की, तो बीटेक में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, बहुत सारे सीएस। तो ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस ही हैं आपके एनालॉग और डिजिटल। इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं मैंने यहाँ पर लिख दी है सारी की सारी। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, ये सब ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें से हम लोग यहाँ पर डिजिटल और एनालॉग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिग्नल क्या होता है, फिर उसके बाद हम एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को देखेंगे। तो सिग्नल क्या होता है? सिग्नल कोई भी टाइम वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं सिग्नल, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम के साथ वेरी करे उसको हम क्या कहेंगे? सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज, ये क्या हो रही है? टाइम के साथ वेरी कर रही है और ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये है हमारा सिग्नल। तो सिग्नल मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम के साथ वैरी करे, जो टाइम के साथ वैरी करे उसको हम कहते हैं सिग्नल। मैं अभी आपको डिफिनेशन भी यहाँ पे दिखा दूंगा, डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो टाइम वेरिंग फिजिकल क्वांटिटी को हम सिग्नल कहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एनालॉग की और डिजिटल की। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है? देखिए, हमारे लाइफ में, यानी हमारे रियल लाइफ में जितने भी सिग्नल होते हैं, रियल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, वो सिग्नल होते हैं एनालॉग। जितने भी हमारे रियल लाइफ के सिग्नल होते हैं वो होते हैं एनालॉग। जैसे जैसे कि ह्यूमन वॉइस, ह्यूमन वॉइस, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बहुत सारी चीज़ें जितने भी हमारे रियल लाइफ के एग्जांपल हैं वो होते हैं हमारे एनालॉग। अब बात करते हैं एनालॉग सिग्नल होते क्या हैं। तो एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो कॉन्टीन्यूअसली वेरी करते रहते हैं टाइम के साथ में, कॉन्टीन्यूअसली वेरी करते रहते हैं। इसका मतलब ये है एनालॉग का मतलब। जैसे कि हमारा वोल्टेज हो गया, कौन सा वोल्टेज? अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो हैं वो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए हमने यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्ट लिया है 0 से 5 वोल्ट के रेंज में, ये लिया हमने, और हम देखेंगे कि ये टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल करेगा, यहाँ पर इस तरह से ये टाइम के साथ में वेरी करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज होगा, यहाँ पे ये टाइम की एक्सिस है, ये वोल्टेज का एक्सिस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, मतलब टाइम में प्रोग्रेस हो रहा है, वैसे वैसे वोल्टेज भी चेंज हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बढ़ रहा है, कॉन्टीन्यूअसली चेंज हो रहा है, यानी कॉन्टीन्यूअसली वेरिंग क्वान्टिटीज़, कॉन्टीन्यूअसली वेरिंग सिग्नल आप कह सकते हैं, कॉन्टीन्यूअसली वेरिंग सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। जैसे कि हमारा हो गया अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे वैल्यू कुछ और, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और, यानी लगातार वैल्यूज़ इसकी चेंज हो रही है। यहाँ पे मान लेते हैं 5 है, यहाँ पे मान लेते हैं 3 है, मतलब इस तरह से वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। यहाँ पे नेगेटिव में जा रही है वैल्यू, फिर 0 हो जा रही है, फिर पॉजिटिव। तो इस तरह से हम समझेंगे एनालॉग की। अब एनालॉग क्या क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग डिजिटल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे, तब ज़्यादा जानकारी हमको मिलेगी। तो डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल वो होते हैं जो जो डिसकॉन्टीन्यूअस होते हैं। ये कॉन्टीन्यूअस होता है, डिजिटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डिसकॉन्टीन्यूअस। डिसकॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बताऊँगा। अब डिसकॉन्टीन्यूअस होते हैं, साथ ही साथ डिजिटल में जो होता है वो डिस्क्रीट वैल्यू होती है। कैसी होती है? डिस्क्रीट वैल्यू या डिस्क्रीट लेवल, आप जो भी कहें। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि फिक्स कर दें हम। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया था 0 से 5 वोल्ट का रेंज, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैं 0 से 5 वोल्ट का रेंज लूँगा, 0 से 5 वोल्ट का रेंज मैं यहाँ पे भी लूँगा। आपको एनालॉग समझ में आया होगा, हम डिजिटल की बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमने 0 से 5 वोल्ट का ही लिया है, यहाँ पे मान लेते हैं 5 है और यहाँ पे ये टाइम है। तो यहाँ पे डिस्क्रीट लेवल का मतलब क्या है? तभी हम इसको कहेंगे डिजिटल सिग्नल, तभी हम इसको क्या कहेंगे? डिजिटल सिग्नल। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि या तो ये 0 रहेगा या फिर ये 5 पे जाएगा, इस तरह से। यानी इट कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज़, ये केवल 2 वैल्यूज़ को लेगा, या तो 0 या तो 5, फिर यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, फिर इस तरह से
फाइव, फिर ज़ीरो, फिर फाइव, इस तरह से। तो एक तरीके से आप कहेंगे कि हम लोग डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्क्वायर वेव से, क्योंकि भैया ये डिस्क्रीट वैल्यू लेता है, डिस्क्रीट लेवल होते हैं, यानी कि या तो ज़ीरो या तो फाइव, या तो ज़ीरो या तो फाइव वोल्ट, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज़ीरो से फाइव के बीच में कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो से फाइव के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे साइन वेव। कौन सा वेव यूज़ करेंगे? साइन वेव। अब आपने साइन वेव तो पढ़ा ही होगा, ये साइन वेव ही तो है। तो साइन वेव का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगातार वैल्यूज चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एनालॉग सिग्नल होता है वो कोई भी वैल्यूज को ले सकता है, यानी कोई भी वैल्यूज को ले सकता है। इट कैन टेक एनी वैल्यूज विद इन गिवन रेंज, इट कैन टेक एनी वैल्यूज, कोई भी वैल्यूज को ये ले सकता है रेंज में, जैसे ज़ीरो से फाइव के बीच में कोई भी वैल्यू। और यहाँ पे ज़ीरो से फाइव के बीच में कोई वैल्यू नहीं, या तो ज़ीरो या तो फाइव, इस तरह से। तो ये डिफरेंस है दोनों में, एनालॉग और डिजिटल में। और एक चीज़ और है कि हम लोग डिजिटल में यूज़ करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी कि इसमें दो डिजिट होते हैं केवल, या तो ज़ीरो या तो वन, इस तरह से। केवल इसमें दो डिजिट होते हैं, ज़ीरो या वन। ज़ीरो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जब आपका ऑफ होता है, और वन उस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जब आपका ऑन होता है। मतलब क्या है इसका, इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे डिजिटल का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्विच हो गया। अब स्विच में क्या होता है, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, दो केस बनेंगे इसमें डिजिटल में, या तो ऑन या तो ऑफ, दो ही केस होते हैं। तो स्विच एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं, वहाँ पे क्या होगा, अगर ऑफ है तो आप कहेंगे उसमें बाइनरी नंबर क्या होगा, ज़ीरो, ऑन है तो वहाँ पे वन होगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि स्विच जो है वो हमारा एग्जांपल है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब एनालॉग का आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि एनालॉग ऐसा क्या एग्जांपल है जिसमें वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती है। तो मैंने आपको ये ह्यूमन वॉइस, टेम्परेचर, ये सब आपको बताया। जैसे टेम्परेचर हो गया, तो टेम्परेचर जो होता है वो फिक्स थोड़ी ना होता है, पूरे दिन में टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है टाइम के साथ में। तो टेम्परेचर हो जाएगा हमारा एनालॉग का, और ये हमारा हो जाएगा डिजिटल का। और भी डिजिटल के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कंप्यूटर डेटा। अब कंप्यूटर डेटा जो होता है वो 0 1 1 0 इसी तरह से ट्रांसफ़र होता है, इसी तरह से, जिसको हम लोग कहते हैं बिट। अब ये 0 1 है जो, इसको हम कहते हैं बिट। अब दोनों को ले लेंगे तो बिट्स हो जाएगा, इस तरह से। तो बिट कहेंगे इसको। तो इस तरह से हम लोग एनालॉग और डिजिटल के बारे में समझा, इन दोनों के सिग्नल के बारे में। अब ऐसे सर्किट जो एनालॉग सिग्नल को कंसिस्ट करते हैं उनको हम कहेंगे एनालॉग सर्किट, और ऐसे सर्किट जो डिजिटल को रखते हैं उनको हम कहेंगे डिजिटल सर्किट। ये भी हमने समझ लिया। अब दूसरा चीज़ हम लोग समझेंगे नॉइस के बारे में। उससे पहले मैं आपको थोड़ी डिफिनेशन दिखा देता हूँ दोनों की, ताकि आप लोग नोट डाउन कर लें। यह है सिग्नल की डिफिनेशन, यह है एनालॉग सिग्नल की डिफिनेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यह है डिजिटल सिग्नल की डिफिनेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफिनेशन दे दी। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे भाई आपने सिग्नल लिया, आपको सिग्नल ट्रांसमिट भी तो करना है, इन्फॉर्मेशन को किसी को देना भी तो है, पास भी तो करना है इन्फॉर्मेशन को, तब क्या करेंगे, तब क्या होगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। जैसे हमें सिग्नल को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, तो उस केस में क्या होता है, यानी इफेक्ट ऑफ नॉइस, नॉइस के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हमने पहले एनालॉग सिग्नल को लिया, किसको लिया, एनालॉग सिग्नल को पहले हमने लिया। अब एनालॉग सिग्नल को हम लेंगे तो एनालॉग सिग्नल आप जानते हैं साइन वेव की तरह होती है, इस तरह से। उसको हम ट्रांसमिट करेंगे, फिर इस तरह से वायर लगा देंगे और रिसीवर लगा देंगे, इस तरह से। रिसीवर में हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल को, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये हमने लिया है 0 से 5 वोल्ट के रेंज में, एनालॉग का मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या होगा कि नॉइस आ जाएगा। नॉइस क्या, नॉइस मतलब अनवांटेड सिग्नल। नॉइस का मतलब होता है अनवांटेड सिग्नल इसमें आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनवांटेड सिग्नल। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सिग्नल ट्रांसमिट करके रिसीवर तक पहुंचाना है, तो क्या होगा, इसमें कुछ अनवांटेड सिग्नल आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होता है जिस पर नॉइस का इफेक्ट भी होता है। अब नॉइस मतलब अनवांटेड सिग्नल, जो सिग्नल हम नहीं चाहते हैं वो सिग्नल भी इसमें आ जाता है। नॉइस मतलब अनवांटेड सिग्नल, जो सिग्नल नहीं चाहते वो भी आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम इसमें ट्रांसमिट करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे 0 से 5 के बीच में लिया 3 वोल्ट, 3 वोल्ट का मान लेते हैं। तो 3 वोल्ट का हमने लिया, तो 3 वोल्ट में मान लेते हैं हमारा ऐड हो गया 0.2 वोल्ट नॉइस,
अब नॉइस कैसे ऐड होता है ये बात हम लोग देखेंगे। तो नॉइस ऐड होता है थर्मल एटॉमिक वाइब्रेशन से। एटॉमिक वाइब्रेशन से क्या होता है, कुछ अनवांटेड सिग्नल प्रोड्यूस हो जाते हैं, या फिर जैसे एनालॉग का आपका जो सर्किट होता है, सर्किट में कुछ गड़बड़ी की वजह से भी नॉइस क्रिएट होता है। तो इस तरह से नॉइस क्रिएट होता है, या तो सर्किट में गड़बड़ी की वजह से नॉइस क्रिएट हो सकता है, दूसरा चीज, या तो थर्मल वाइब्रेशन से। यानी थर्मल वाइब्रेशन किस में, एटॉमिक एटॉमिक पार्टिकल्स पे। अब भाई कोई भी चीज़ एटम से मिलके बनी होती है, तो उसमें वाइब्रेशन होगा तो कुछ अनवांटेड सिग्नल प्रोड्यूस होंगे, उसको हम कहते हैं नॉइस। तो नॉइस का इफेक्ट कैसे होता है इस पे, मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो 3 वोल्ट में जब 0.2 वोल्ट ऐड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 3 + 0.2 यानी 3.2 वोल्ट। इस तरह से आप चाहते थे कि 3 वोल्ट का सिग्नल हमें रिसीवर पे मिले, लेकिन मिल कितना रहा है, 3.2 वोल्ट। ऐसा एनालॉग में होगा, क्यों होगा, क्योंकि एनालॉग में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम, एनालॉग में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जबकि डिजिटल में हम फिक्स वैल्यू लेते हैं। तो इसीलिए एनालॉग में नॉइस का इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए 3.2, फिर आप क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी कर रहे हैं, फिर कहीं और भेज रहे हैं, फिर कॉपी कर रहे हैं, फिर कहीं और भेज रहे हैं, तो इस तरह से नॉइस बढ़ता जाएगा। तो एनालॉग सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जिसमें नॉइस का इफेक्ट ज़्यादा होता है। ये आपने यहाँ पे समझा, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब डिजिटल की बात करते हैं, तो यहाँ पे नॉइस का इफेक्ट होता है ज़्यादा। और डिजिटल की बात करें तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिजिटल सिग्नल की, उस पे नॉइस का इफेक्ट क्या होता है। नॉइस तो आप जान ही गए, अनवांटेड सिग्नल होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है ये भी जान गए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे भी हम लेंगे 0 से 5 वोल्ट का रेंज लेंगे, और यहाँ पे हम 3 वोल्ट यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे स्क्वायर वेव इस तरह से होंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा ट्रांसमीटर हो गया और ये रिसीवर हो गया। तो इस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0.2 वोल्ट का नॉइस ऐड हो रहा है। अब यहाँ से 0.2 वोल्ट का नॉइस ऐड हो रहा है, तो 3 + 0.2 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 3.2 वोल्ट होगा, लेकिन यहाँ 3.2 वोल्ट हम नहीं लेंगे, यहाँ पे 3 वोल्ट लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं डिजिटल सर्किट जो होता है वो एक फिक्स वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है, फिक्स वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है, या तो 0 को करेगा या तो 3 के करेगा, अगर 3 के केस में हम ले रहे हैं। तो आपने यहाँ पे समझा, तो यहाँ पे नॉइस का इफेक्ट नहीं होगा, डिजिटल सर्किट में नॉइस का इफेक्ट नहीं होता है, कम होता है, होता भी है तो बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन इसमें भी एक नुकसान है, क्या नुकसान है, कि अगर नॉइस का लेवल बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू से बहुत ज़्यादा इंक्रीज, जैसे 3 ये है और मान लेते हैं नॉइस हमारा हो गया 2, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी सिग्नल हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये आपने समझा डिजिटल, और ये आपने समझा एनालॉग के बारे में। यहाँ पे आप लोग डिफिनेशन एक बार फिर से देख सकते हैं, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम लोग कुछ इसके डिफरेंस के बारे में जानते हैं, हमारे डेली लाइफ में क्या होता है। तो हमारे डेली लाइफ में हम लोग दोनों को यूज़ करते हैं, एनालॉग और डिजिटल में, मतलब हम लोग क्या करते हैं, सर्किट में दोनों का यूज़ करते हैं, एनालॉग और डिजिटल का। अब एनालॉग का जैसे कि कभी कभी हमें ज़रूरत होती है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने की, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने की, उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, उस टाइम पे हम ये यूज़ करते हैं। अब ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ती है, बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे हमारे पास हमारे पास होती थी पहले एनालॉग वॉच। तो एनालॉग का मतलब क्या होता है, एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा, एनालॉग का मतलब होता है एनालॉजी, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप 12 से 1 के बीच में जब टाइम जाता है तो आप कहते हैं 5 मिनट हुआ, जब मिनट वाली जब 12 से 1 के बीच में जाती है तो आप कहते हैं 5 मिनट हुआ, और ये क्या है, एक एनालॉजी तो है। यहाँ पे तो नहीं लिख के आ रहा है कि 5 मिनट हो गया, लिख के नहीं आ रहा है, ये केवल एक एनालॉजी है। और जबकि डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल घड़ी में 12:05 होता है, तब आप कहते हैं 12:05 हो रहा है, और यहाँ पे क्या कहेंगे, जब एक एक पे चली जाएगी सुई तो आप कहेंगे 12:05 हो रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। और नॉइस का इफेक्ट किस में ज़्यादा होता है, तो एनालॉग में ज़्यादा होता है, डिजिटल में कम होता है, इसीलिए यूज़ करते हैं। और एक डिफरेंस और है, एनालॉग को डिज़ाइन करना टफ होता है, और थोड़ा सा एनालॉग को डिज़ाइन करना टफ होता है और थोड़ा सा कॉस्टली होता है, और डिजिटल को डिज़ाइन करना आसान होता है। और एक और डिफरेंस है, एनालॉग को स्टोर आप करेंगे तो ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, मतलब एनालॉग में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप स्टोर नहीं कर सकते, और डिजिटल में आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं कम स्पेस में, मतलब छोटे से मान लीजिए चिप में, मान लीजिए आपके पास छोटा सा चिप है, तो उसमें आप कम से कम, आप जानते हैं 128 GB, बहुत सारे स्टोरेज के आते हैं, तो उसमें आप इतना सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। और वो डेटा किस फॉर्म में होगा, 0101 यानी बाइनरी के फॉर्म में। तो डेटा स्टोर करने के लिए भी डिजिटल हमारा बेहतर है। इस वीडियो में इतना रखते हैं, आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो